हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया के लीडिंग न्यूज पेपर, इंडिया की लीडिंग न्यूज जो की आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन सबकी स्ट्रेटेजी जो है वो बना चुके होंगे, और बस आपको डेली क्या करना है, 40 से 45 मिनट अपने देने हैं। अगर आप ये सुबह मॉर्निंग में 8 बजे अपने 40-45 मिनट दे रहे हो, तो यकीन मानिए ऐसा कोई भी इंडिया में एग्जाम नहीं है जहां पे आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। आपको 80-90% यही क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इस 45 मिनट के सेशन के अंदर आपको क्या क्या जानने को मिलने वाला है। कल के क्वेश्चन है वो देखेंगे, कोट ऑफ द डे, उसके बाद में द हिंदू के अलावा जितने भी लीडिंग न्यूज पेपर। आज द हिंदू नहीं आया, आज इसका जो ई पेपर है वो काफी लेट आया, सुबह 5 बजे नहीं आया, अदरवाइज 5 in the morning है जो कि ये आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के चीजें हैं, न्यूज पेपर है, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट देखेंगे, और आज के क्वेश्चंस फॉर द डे भी देखने वाले हैं। तो ये सारे एग्जाम है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस, रेलवे, मैनेजमेंट और लॉ के एग्जाम है, पुलिस एग्जाम है, एसएससी, बैंक, ये सारे हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रीवियस डे क्वेश्चंस की बात करें कि कल कौन कौन से सवाल है जो कि मैंने पूछे थे। उम्मीद करता हूं कि आवाज आ रही होगी, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज एवरीथिंग परफेक्ट? ठीक है, आवाज आवाज आ रही है, एकदम बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 10 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन मुंडा जी है, ट्राइबल मिनिस्टर है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, तो इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। नागालैंड 1 दिसंबर को अपना 58वां राज्य दिवस मनाता है, 16वां राज्य भी था हमारे देश का और 16वां राज्य बना था, और 1 दिसंबर कब हुआ था, कब बना था, 1963 के अंदर बना था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू करी है? अरुणोदय किसके द्वारा, आसाम के द्वारा स्टार्ट करी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉर्नबिल महोत्सव 2020 के पहले आभासी उत्सव की मेजबानी करेगा? हॉर्नबिल की बात करें तो नागालैंड है दोस्तों। हॉर्नबिल निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? तो नागालैंड का तो है ही गाइस, इसके अलावा किसका है, केरला का भी है, तो बी आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा कोट ऑफ द डे की बात करें तो कोट ऑफ द डे यहाँ पे नहीं भेजा गया है, मतलब भेजा तो बहुत सारे के द्वारा किया गया लेकिन मैंने लगाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोट ऑफ द डे जो है, आज मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ आपके लिए कोट है जो कि दे देता हूँ। देखिए गाइज, हमेशा ध्यान रखिए, जो भी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं ना, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के मन में जो है, दिल में जो है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। किसी के गवर्नमेंट जॉब होगा, किसी के कोई बिलियनियर बनना होगा, किसी के कोई यूपीएससी क्रैक करके सिविल सर्विसेज में जाना होगा, किसी के कुछ और होगा, किसी के क्रिकेटर, म्यूजिशियन, राइटर बनने का सोचा होगा आप लोगों ने। कभी भी अपने जो आप लोगों की जो कोर स्ट्रेंथ है ना, उसको कभी भी मत जाने दो। इससे आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हैं, तो मुझे मालूम है दोस्तों कि आप सच में ऐसा कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, तभी ये अंदर से बात आपके अंदर आ रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो 101% आप अचीव कर लोगे। बस क्या चाहिए, एक तो डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं होता, और साथ में डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें जो है ओके, अपने पास में रखिए, और यकीन मानिए गाइस कि आप आज नहीं तो कल जो आप अचीव करना चाहते हैं वो जरूर अचीव करेंगे। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। घर वाले बोलते हैं कि इतने बड़े हो गए, 30 ईयर के हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, नौकरी करो, ये करो, वो करो। तो ठीक है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए अपनी फैमिली के लिए, और उसके अलावा जो भी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बचते हैं आपके पास में, जो कि लोग नॉर्मली वेस्ट करते हैं अपने काम के बाद में, आप वो काम अपने किसको दीजिए, अपने पैशन को दीजिए, और जब ये पैशन से भी पैसा आने लगे तो फिर छोड़ दीजिए पुराना वाला काम। इस तरीके से लाइफ में दोस्तों सभी लोग अचीव करते हैं, मैंने भी किया है, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है। ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अगर कोई बड़ा रोल नहीं मिल रहा था तो उसका मतलब ये थोड़ी ना था कि उन्होंने वहां पे छोटे छोटे रोल करने छोड़ दिए थे, है ना। उनको पता था कि वो बहुत टैलेंटेड है बाकी एक्टर से, फिर भी एक एक मिनट के रोल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल कंडीशन भी अपनी देखनी थी।
है ना, लेकिन एक्टिंग नहीं छोड़ी उन्होंने, अपना कोर काम उन्होंने अपना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के लीडिंग न्यूज़पेपर, ये सारे न्यूज़पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं। द हिंदू का ई पेपर अभी बहुत ही लेट आया यार, तो इसलिए मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ न्यूज ऑलमोस्ट सेम ही है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में काफी सिमिलैरिटी है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे बड़ी न्यूज दोस्तों जिसका इंतजार था पूरी दुनिया को, कि फाइनली पहला ऐसा देश जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर रहा है कि वो फाइजर जो वैक्सीन है उसका पहला शॉट है जो कि नेक्स्ट वीक में यूज करने वाले हैं। तो लास्ट मंथ के अंदर यूके जो है उन्होंने बोला था कि 30-40 मिलियन के आसपास जो है वैक्सीन के डोज के लिए बोला था फाइजर को, और फाइजर ने दोस्तों क्या किया, 43,000 लोगों के ऊपर टेस्ट किया था ट्रायल 3 के अंदर, और उसके रिजल्ट है जो कि उसने दिखाए हैं जिसमें 96% एफिशिएंसी है जो कि इसने बताई है फाइजर कंपनी ने। तो ये डाटा आने के बाद में यूके ने जो है वो अप्रूवल दे दिया है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 लाख डोज है जो कि एमआरएनए वैक्सीन के फर्स्ट फेज के अंदर मिलने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्या है इसको, और क्या इंडिया इसको लेकर क्या सोच रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको लेकर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। रिपब्लिक डे के गेस्ट के लिए दोस्तों जॉनसन जी को, बोरिस जॉनसन जी को हमने इन्विटेशन भेजा, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 दोनों जगह काफी है। यहाँ पे दोस्तों सेकेंड डे का टेबल टॉक हो रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी, पावर सब्सिडी इनके ऊपर बात करने को लेकर हो रही है, लेकिन फार्म बिल के ऊपर बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अमरिंदर जी जो है वो अमित शाह से मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत जी है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि चाइना वापस से खड़ा हो गया है, दुनिया चाहे उसको कुछ भी बोले। ओके, यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज है कि बीजेपी का जो आईटी सेल के जो हेड है उनका नाम है अमित मालविया, तो इन भाई साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया है जो कि टैग लगा दिया गया ट्विटर के द्वारा। अब आप बोलोगे सर ये मैनिपुलेटेड मीडिया का क्या होता है, तो देखिए समझने की कोशिश करें कि जब ट्विटर जब यूएस इलेक्शन हो रहा था तब उस टाइम पे आपको मालूम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी फेक न्यूज की, यूएसए में भी चल रही थी, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जितने भी हो गए बड़े बड़े जो सोशल मीडिया कंपनी है उन सबके ऊपर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसको टैकल किया जाए फेक न्यूज को। तो वहां पे ट्विटर ने क्या किया कि अगर कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज डालता है, कोई भी पोस्ट करता है, तो उसके अकाउंट के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया, मैनिपुलेटेड सर्विस, मैनिपुलेटेड एम्प्लॉय, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से वो टैग डालता था जिससे लोगों को क्लियर हो जाए कि ये फेक आदमी है, इसकी बात में दम नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रंप भाई साहब है उन्होंने भी बहुत बार जो ऐसी फेक न्यूज डाली और उसके ऊपर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड टैग है जो कि लगा दिया। अब बात आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के अंदर कल परसों आपको मालूम है एक बहुत बड़ी वायरल न्यूज चल रही थी जिसमें किसान के एक पुलिस वाले जो अपने जवान है वो क्या किसान के को मार रहे थे लाठी से, है ना, तो वो बहुत वायरल जो वीडियो है वो बहुत वायरल हुआ कि किसान जो कि आपको अन्न दे रहा है आप उसी के ऊपर जो है आज अटैक करवा रही है गवर्नमेंट, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू हो गया था। उसी को लेकर आईटी जो है सेल है गवर्नमेंट की, उन्होंने क्या है उल्टा प्रोपोगंडा चलाना चालू किया कि वो लगी नहीं थी वो पास से गया था। ठीक है, ये एक हो गया था, लेकिन वीडियो के अंदर साफ तौर पे दिखाया गया, इनफैक्ट जो उस आदमी के लगी थी उस आदमी ने तो पूरे मार्क्स भी दिखा दिए पैरों अपने जो है सलवार के ऊपर करके कि मार्क्स भी दिख रहे हैं कि उनके लगी है। ओके, तो यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा वो फोटो करी गई, तो उसी के नीचे जो एक फेक फोटो है जो कि अमित मालवीय के जी के द्वारा भेजी गई, तो उसको लेकर ये मैनिपुलेटेड मीडिया जो है टैग यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, मतलब साफ साफ तौर पे एक्सपोज कर दिया, मतलब ये तो बहुत ही बुरी करी मतलब इस बात। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। 5 एक्स मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोल्स के ऊपर काम कर रहे थे, है ना, तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों नक्सल फैमिलीज को लेकर बताया गया, नक्सलवाद की वजह से कई सारे जो हमारे पुलिसमैन की फैमिली है वो वापस से अपने घरों पर नहीं आ पा रहे हैं। ये दंतेवाड़ा जो एरिया है ना छत्तीसगढ़ में वहां का दोस्तों ये बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा फ्रंट पेज है। जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो कौन सा है, ये अपना यूके वाले न्यूज है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, इस न्यूज के लिए आंखें तरस गई, मतलब दुनिया में पहला कंट्री कोई तो आया जो ये बोल रहा है कि चलो ठीक है वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सही है और हम इसको यूज करेंगे, और यूके बोल रहा है तो आप समझ ही सकते हैं मतलब उसकी वैलिडिटी काफी बेटर है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज अगर बोल रहे हैं तो काफी सोच समझ के लेते हैं मतलब इस तरीके का फैसला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्रिटेन ने अप्रूवल दे दिया है फाइजर कंपनी को। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो अप्रूवल दे दिया है फाइजर कंपनी को किसके लिए, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, और यूएस यूरोप सारे कंट्री से दोस्तों आगे निकल गया है और फर्स्ट कंट्री बना है जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है
कि वो इनको जनता के लिए दोस्तों यूज करने वाले हैं, ठीक है, जनता के लिए। सबसे पहले तो खैर वल्नरेबल जो भी लोग होंगे उनके ऊपर यूज होगा, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट वीक के अंदर जनता के ऊपर भी वैक्सीन जो कि मिलने लग जाएगी। मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करती है, आपको जैसा कि मालूम होगा। ओके, ग्लोबल विन है जो कि इस कंपनी को बताया जा रहा है, क्योंकि एकदम से बीच में से निकल के आई है फाइजर बायोटेक का वैक्सीन, है ना। अभी 2-3 महीने पहले तो ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं हो रहा था। तो दुनिया के अंदर नियर बाय 1.5 मिलियन लोगों को दोस्तों कोविड-19 ने मार दिया है, पूरी तरीके से इकोनॉमी जो है वो डिवास्टेट कर दी है। तो अभी वापस से रिसर्च करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो ब्रिटेन का मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी है ना, उसने ये इमरजेंसी अप्रूवल है यूज के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन को दिया है। 95% इफेक्टिव बताई गई है। समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तो अभी इमरजेंसी यूज है, यानी कि जो वल्नरेबल लोग हैं उनको मिलेगा, उसके बाद उनके रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर आम जनता को भी मिलने लग जाएगा। यानी कि कुल मिला के 1 महीने के अंदर जो है वहां पर ये मान सकते हो आप कि नॉर्मली जनता को अवेलेबिलिटी हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। और 23 दिन हुए हैं अभी जब फाइजर ने पब्लिश किया था अपना पहला डेटा फाइनल स्टेज का, जिसके अंदर 43,000 लोगों के ऊपर उसने टेस्ट किया था। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे क्या आ रही है कि ये क्या इजीली लोगों को अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि जो वैक्सीन है ना इसको -70 डिग्री के ऊपर रखना पड़ेगा आपको, -73 डिग्री, 70 डिग्री, यानी कि जो अंटार्कटिका में जो सबसे लीस्ट टेम्परेचर है -70 डिग्री, उतने टेम्परेचर पे आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको स्टोर करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसके अंदर। समझ गया मेरी बात, ठीक है। और अक्रॉस द यूके जो है ये नेक्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है गाइज, ताकि वापस इकोनॉमी और लाइफ है जो कि रिक्लेम हो सके। अब यहाँ पे बात आती है इंडिया को लेकर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट टॉप ऑफ इंडिया विश लिस्ट बट ऑफिशियल्स ट्रैक रोल आउट पुश सिमिलर वैक्सीन। तो ये बोला है कि फाइजर वैक्सीन जो है, बायोटेक वैक्सीन जो है, वो इंडिया के अंदर पहली बात तो -70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोल्ड चेंज रिक्वायरमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, साथ में इंडिया के अंदर इसको टेस्टिंग भी नहीं करी गई है। लेकिन हाँ, जो फाइजर की इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है वो फिर भी गवर्नमेंट से बात करेगी, और यहाँ पर भी अगर ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं इस फाइजर कंपनी के तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी के ट्रायल चल रहे हैं, अगर उनके रिजल्ट आ जाए तो फिर हम लोग भी जो है इस कंडीशन में आ जाए कि कोई फैसला ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने में हमारे यहाँ पे भी 10-20 करोड़ वैक्सीन तो हो सकती है अवेलेबल, ठीक है गाइस। तो ये पूरा का पूरा डाटा है जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी शांति है जो कि मिली होगी कोविड-19 से। फाइजर कंपनी की बात करें गाइस, गाइस तो ये फाइजर कंपनी वैसे दुनिया में फेमस तब हुई थी तब इन्होंने इरेक्टाइल डाइफंक्शन के लिए जो वायग्रा वैक्सीन आती है ना, वैक्सीन क्या मतलब, जो वायग्रा की जो मेडिसिन आती है वो दुनिया में पब्लिश करी थी, और उससे कोई $500 मिलियन तक का बिजनेस है जो कि इन्होंने किया था, है ना। तो इरेक्टाइल डायफंक्शन के लिए जो वैक्सीन आती है, जो मेडिसिन, वो भी फाइजर ही बनाती है एक्चुअली में। तो कोविड-19 और वायग्रा दोनों एक ही कंपनी बना रही है, चलिए। हालांकि और भी बनाती है लेकिन ये काफी फेमस है इस चीज के लिए भी। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत ही पुरानी है, 1949 के अंदर दोस्तों इस कंपनी को बनाया गया था। चार्ल्स फाइजर के द्वारा फाउंडर थे और चार्ल्स एरेंट थे। ओके गाइस, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है, अल्बर्ट है जो कि अभी इसके सीईओ है। ओके चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गाइस न्यूज, वो एक तो झारखंड की न्यूज है, ठीक है। इसके अलावा एक ये महाराष्ट्र के भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी योगी जी जो है वो महाराष्ट्र की ट्रिप के ऊपर थे, और काफी महाराष्ट्र सरकार और योगी जी सरकार के बीच में भी काफी जद बहस हुई इस चीज को लेकर। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है दोस्तों लखनऊ जो है वो नॉर्थ इंडिया का पहला राज्य, पहली सिटी बन चुका है नॉर्थ इंडिया की जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड है जो कि जारी करे हैं, ठीक है। हालांकि इंडिया के अंदर बात करूं तो इंडिया की तो 9th सिटी है वैसे जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी करे, लेकिन नॉर्थ इंडिया की पहली सिटी है। ओके, तो काफी हिस्टोरिक इसको बताया जा रहा है, और इसको इसी इन बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दोस्तों लिस्ट भी जो है वो किया गया है। बॉन्ड कुछ नहीं होते यार, म्यूनिसिपैलिटी अगर कोई काम कर रही है, अगर किसी को लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है तो उस बॉन्ड के माध्यम से आप पैसे लगा दो, जो भी बाद में इनकम होगी उसमें शेयरिंग मिल जाएगी। ओके, आपको पैसा मिल जाएगा, तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आप करते हो, है ना, समझ गए। तो ऐसा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट लेके आएगी, इसीलिए दोस्तों ये किया गया और बीएसई में इसको लिस्ट किया गया, ये देख सकते हो आप, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि झारखंड को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर भाई आप झारखंड के सरकारी ऑफिस में काम करते हो और अगर आप गुटखा पान बीड़ी कुछ भी खाते हो तो भाई अब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है एक एफिडेविट जो है वो सरकार को देना पड़ेगा जिसमें आप ये बताओगे कि
कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी तंबाकू सेवन नहीं करते हो। मैंडेटरी कर दिया है पूरे स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक एफिडेविट सबमिट करना, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप किसी भी तरीके का कोई भी कंजप्शन या ठीक है कंज्यूम नहीं करोगे किसी भी फॉर्म का टबैको। ठीक है गाइस, तो ये मीटिंग है नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है स्टेट का, उसके द्वारा ये करी गई और चीफ सेक्रेटरी है झारखंड के सुखदेव सिंह, उनके द्वारा अनाउंसमेंट जो कि किया गया है। ओके, एक्ट कौन सा है? सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट है, जो 2003 के अंदर इसको बनाया गया था। आवाज आवाज आ रही है क्या? एक बार वीडियो शेयर कर देना अगर आपने शेयर नहीं किया है तो। गाइस एक बार वीडियो शेयर कर दो तुरंत तुरंत अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। एक बार मैं भी देख लूँ अपना वीडियो, आवाज तो आ रही है ना, पता लगा एक मेरे पास क्या मोबाइल फोन नहीं है अभी, पता लगा 1 घंटे में बोल रहा हूँ और वीडियो चल ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है गाइस, तो ये हो गई अपनी बात, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपसे पूछे कि कौन से राज्य जो है वो एफिडेविट के लिए बोल रहा है टेबेको फ्री के लिए, तो यहाँ पे कौन सा है? झारखंड है। समझ गए मेरी बात? इतनी बात ध्यान रखनी है ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, मतलब इस वजह से क्या पता अगर कोई छोड़ दे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, सुपारी, ये देखिए इस प्रकार की हुक्का, ई हुक्का, ई सिगरेट, इस प्रकार की कोई भी स्मोकिंग या स्मोकलेस एक्टिविटी अलाउ नहीं है। ये सारी चीजें टबैको के अंदर है जो कि इंक्लूड करी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वीएन दत्ता जी को लेकर, और 2020 दोस्तों सबसे गर्म साल है जो कि दुनिया का बन गया है। सबसे पहले तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस अकेडमियन, हिस्टोरियन, स्कॉलर रहे, फेमस पर्सनालिटी, जर्नलिस्ट रहे दोस्तों, इमिनेंट हिस्टोरियन विश्वनाथ दत्ता जी के बारे में। इनका जन्म हुआ 1926 के अंदर। ओके, और बहुत ही फेमस पर्सन रहे, इंटेलेक्चुअल रहे, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जनरेशन जो थी हिस्टोरियन की उसके अंदर इन्होंने दोस्तों काम किया था। तो इनकी मृत्यु है जो कि 94 की उम्र के अंदर अभी दिल्ली के अंदर हुई है। ओके ठीक है, रामचंद्र गुहा जी भी बहुत फेमस हिस्टोरियन है आपको मालूम है, तो उन्होंने भी डिस्क्राइब किया दत्ता जी का जो काम था भगत सिंह जी के ऊपर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के ऊपर, जलियांवाला बाग के ऊपर। ओके, जो लिटरेचर, जो कल्चर, जो की चीजें इन्होंने बताई है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जो कि बताई जाती है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा है, जो इनकी बुक्स रही है भगत सिंह जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सब के ऊपर वो बहुत ही लैंडमार्क मानी जाती है ना। तो अगर आपसे पूछे कि दत्ता जी कौन थे, वीएन दत्ता जी कौन थे, तो ध्यान रखिएगा। ओके, और बहुत लोगों ने जो है इनको होमेज दिया है, यानी कि ट्रिब्यूट दिया है, जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह जी हो गए। ओके, बहुत और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने। ठीक है गाइज, चलिए इसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं 2020 को लेकर। 2020 दोस्तों सेट टू बी द अमोंग द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो गाइज बात ऐसी है, 2020 को सबसे गर्म साल है जो कि बताया गया है ग्लोबल टेम्परेचर। अगर प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करूं, 1850 से 1900 लेवल के ऊपर, तो उससे टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों जो कि बढ़ गया है। ठीक है, और ये कम नहीं होता है, आपको सुनने में बहुत 1.2 डिग्री सेल्सियस बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी है दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ओके गाइज, और ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो ये वाला डेकेड रहा है 2011 से लेकर 2020, ये डेकेड भी दोस्तों सबसे वार्मेस्ट रहा है, और साथ में ये जो साल रहा है दोस्तों 2020 का, ओके ये भी रहा है। इससे पहले वाला जो सबसे गर्म था वो 2016 था, वैसे 2020 से जो 2016 जो था वो सबसे गर्म था, लेकिन 2020 ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है दोस्तों। ओके गाइज, और बोला जा रहा है 2024 तक इसी तरीके से अगर चलता रहा तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जो कि बढ़ जाएगा, जिससे काफी प्रॉब्लम है जो कि हो जाएगी। ओके, इस बार क्या हुआ कि अल नीनो, ला नीना, ऐसे बहुत सारे जो इफेक्ट्स है ना वो भी काफी देखने को मिले, इसकी वजह से भी दोस्तों टेम्परेचर जो है काफी बढ़ता हुआ देखने को मिला। ठीक है, न्यू एक्सट्रीम टेम्परेचर लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, आर्टिक के ऊपर, वाइल्ड लाइफ आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया, आपके अफ्रीका, अमेजोन रिवर, अमेजोन वाला फॉरेस्ट, बहुत जगह पे दोस्तों हमको जो है आग लगती हुई देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको मालूम है 1-2 करोड़ कंगारू जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये सब क्यों हुआ है, वहां पे आग क्यों लगती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी वजह से ही दोस्तों ये ग्लोबल फायर ही जो है देखने को मिलती है बहुत कंट्रीज के अंदर। ठीक है गाइस, इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। 2020 के अंदर हमको दोस्तों 96 साइक्लोन है जो कि देखने को मिले, अभी तक 96 साइक्लोन है जो कि देखने को मिल चुके हैं। सोचिए
कितना ज्यादा है, 17 नवंबर तक की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं दिसंबर की भी बात नहीं कर रहा। ओके, और अम्फान जो आया था वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर सबसे कॉस्टलियस्ट है जो कि माना गया है। अम्फान से पता है कितना नुकसान हुआ है, 14 बिलियन डॉलर का नुकसान है जो कि हुआ है, सोचिए। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। यहाँ पर दोस्तों मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है, हमारे लिए विश्व एक परिवार है, चाइना के लिए एक बाजार है। बिल्कुल सही बात है, किसान बोले मांगे नहीं तो चक्का जाम। फाइजर के टीके को मंजूरी देने वाला बना पहला देश ब्रिटेन। ओके, इसके अलावा ये केजरीवाल जी की है, स्टेडियम जेलों के लिए नाराज, नहीं देने पे कैंसर का नाराज, पॉलिटिकल है। और यहाँ पे एक न्यायाधीश है कंडन जी दोस्तों, जो कि कई सारे जज हाई कोर्ट के अंदर जज रह चुके हैं, उन्होंने कई सारी अभद्र टिप्पणी करी, उसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। और ये देखिए मालवीय के ट्वीट को ट्विटर ने तत्वों के साथ छेड़छाड़ करार दिया। ठीक है, अब देखना ये है बड़ा इंटरेस्टिंग कि क्या इसको अरेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। मतलब आपको मालूम है ना कि कई लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। ओके, और कई लोग अगर कोई फेक न्यूज डालते हैं तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या बीजेपी के आईटी सेल को डाला जाएगा, क्या इनके खिलाफ कोई केस होगा और इनको सजा मिलेगी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में। चलिए ठीक है गाइस, तो ये आपका जनसत्ता है, इसके अंदर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पोर्ट्स की न्यूज। जैसा कि आपको मालूम है कल भारत दोस्तों हम लोग जीत गए, और 2-1 से सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली। यहाँ पे तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों, 12,000 रन सबसे तेज है जो कि बनाने वाले कोहली बन चुके हैं। ठीक है, कोहली ने दोस्तों 12,000 रन बनाने वाले, इंटरनेशनल वनडे के अंदर 12,000 रन बनाने वाले सबसे फास्टेस्ट प्लेयर है जो कि बन गए हैं, और सचिन का रिकॉर्ड है दोस्तों जो कि इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कितनी इनिंग दोस्तों ली है, देखिए सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन का रिकॉर्ड आपको मालूम है बहुत ही खतरनाक है। 1989 के अंदर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, 2012 के अंदर रिटायरमेंट लिया। ओके, 463 ओडीआई खेले, 44 की एवरेज से उन्होंने 18,426 रन है जो कि बनाए, जिसमें 49 तो सेंचुरी थी, समझ गए। और अभी कोहली की बात करें तो कोहली का करियर दोस्तों 12 साल का हो चुका है। ओके, 251 इनिंग के अंदर इन्होंने, 251 मैचेस के अंदर इन्होंने 12,000 रन बना दिए। सचिन की बात करें तो 13 साल उनको लगे, 309 मैच खेलने की जरूरत पड़ी और उन्होंने 12,000 बनाए। उसके बाद पॉन्टिंग थे, संगकारा थे और जयसूर्या थे। ओके, तो इसी स्पीड से चलते रहे तो मुझे लगता है कि सचिन का रिकॉर्ड ये तोड़ देंगे, मतलब कोहली, और फिटनेस भी बहुत जबरदस्त है। जागरण की बात करेंगे इस तो आप देख सकते हैं दोस्तों फाइजर को हरी झंडी मिल गई है। और ये देखिए एक बहुत ही तगड़ा काम हुआ है, एक और हमारे यहाँ पे शहद में मिलाया जा रहा चाइनीज शुगर सिरप, 77% जो नमूने थे वो फेल हो गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, मतलब मैंने कुछ टाइम पहले शुगर का इंटेक बहुत कम कर दिया था, ऑलमोस्ट बंद कर दी थी मैंने शुगर, और मैं क्या शहद के ऊपर चला गया था, मतलब मैंने यूज करना चालू कर दिया था नेचुरल शुगर, यानी कि जो अपने हनी आता है ये सब मैं यूज करने लग गया था। पता लग रहा है कि शहद भी जो है वो सेफ, शहद की भी हालत बहुत खराब है, शहद के अंदर भी आर्टिफिशियल शुगर है जो कि मिलाया जा रहा है और जो चाइना से मंगाया जाता है। और इसके अंदर दो बड़ी कंपनी के नाम सामने आए, एक तो है आपकी पतंजलि और दूसरी है डाबर। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि छत्ते से तोड़ना पड़ेगा मतलब शहद को, मतलब ऐसी हालत है। तो 77% जो हमारे यहाँ पे दोस्तों जो नमूने जो टेस्ट करे गए वो सारे फेल हो गए हैं, और ये टेस्टिंग जो है वो इंडिया में नहीं हुई है, जर्मनी के अंदर हुई है। तो ऑब्वियसली हम ये मान सकते हैं कि ये बिल्कुल सही टेस्टिंग है। इंडिया में तो क्या होता है कि मैनिपुलेशन बहुत होता है। अब आप बोलोगे सर क्या इंडिया के अंदर जो अपनी एजेंसी है, इंडिया के अंदर जो अपनी एजेंसी है दोस्तों क्या वो टेस्टिंग नहीं करती है क्या? बिल्कुल, वो भी टेस्टिंग करती है, जिसको अपन बोलते हैं ना अपना भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ओके, FSSAI, फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो हमारे यहाँ पे है, तो ये भी टेस्टिंग करती है। लेकिन दोस्तों इनके पास में जो टेस्टिंग की जो इक्विपमेंट है, जो इनकी क्वालिटी है टेस्टिंग करने की, उसको इजीली मैच कर लेती है चाइनीज जो ये सिरप जो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि इंडिया को टेस्टिंग को बेवकूफ बना के बाईपास किया जा सके। तो वो इतने डेलिकेटली बनाते हैं कि जो हमारी टेस्टिंग है उसको तो इजिली वो निकाल लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली जब आप सच्ची तरीके सही बहुत ही सही तरीके से आप उसको ओरिजिनल टेस्टिंग करेंगे, जिसको CSE के द्वारा करी गई, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ओके, उन्होंने ये जो है जर्मनी के अंदर टेस्टिंग करी, तो 13 कंपनियों के शहद के नमूनों में से 77% जो है मिलावट है जो कि उसके अंदर पाई गई है। ओके, और इससे पहले जो टेस्टिंग करी थी वो गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट का सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग एंड लाइव स्टॉक के, वहां पे कराई गई थी, वहां पे सारे के सारे नमूने पास हो गए थे।
बाकी कुछ छोटी मोटी कंपनी थी उनके फेल हो गए थे। और यही जब जर्मनी में कराया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वहां पे सारे के सारे फेल हो गए। तो बहुत ही घपला है भाई। और चाइनीज कंपनियों ने भी स्वीकारा है इस चीज को, चाइनीज कंपनी ने भी बोला है ओके कि हम लोग है 50 से 80% जो है वो मिलावट वाले जो है शहद है जो कि हम लोग बेचते हैं और इंडिया के अंदर ही पास हो जाते हैं। हेड्स ऑफ है भाई पतंजलि को भी यार। चलिए आगे बात करते हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर है कि यहाँ पे भी 5 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो सामने आया टिकटों के अंदर। ठीक है ये हमारे पेपर पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है पैसा ही पैसा होगा। जियो दोस्तों दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के अंदर, जो दुनिया के फॉर्चून टॉप 500 कंपनी है उसके अंदर इंडिया की दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी ओके नंबर 1 की लिस्ट के ऊपर है। नंबर 1 लिस्ट है जो के ऊपर आ गया है इंडिया की। तो तेल से लेकर टेलीकॉम तक के क्षेत्र में काम कर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्चून 500 की भारतीय सूची में फिर टॉप पे रही है। इंडियन ऑयल ऑयल IOCL है जो कि सेकंड पे रही है, और ठीक है ONGC तीसरे के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चौथा, पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम पांचवा, टाटा मोटर्स छठे, गोल्डन रिफाइनरी राज्य से एक्सपोर्ट्स को 7वां नंबर दिया गया है, और TCS है जो कि 8वें पे है, ICICI बैंक 9वें पे, L&T 10वीं के ऊपर। ठीक है तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, पेपर में आपसे पूछेंगे फॉर्चून 500 के अंदर ओके गाइज। इसके अलावा दुनिया में सबसे ऊपर तो आपको मालूम ही है, अगर मैं बात करूँ तो अरमाको है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है ठीक है सऊदी की। उसके बाद में फिर आपकी आती है मेरे ख्याल से अमेजन है, उसके बाद में फिर अमेजन नहीं है फिर माइक्रोसॉफ्ट है ओके। चलिए कश्मीर के हीरो उमर फयाज को सेना ने समर्पित किया अवार्ड। तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय सेना ने कश्मीरियों कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे देश के दोस्तों शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज जी की याद में एक अवार्ड है जो कि समर्पित किया है। एक्चुअली के अंदर क्या हुआ था दोस्तों कि शोपिया जो जिला है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट वाला जिला माना जाता है, वहां से दोस्तों उमर फयाज है जो कि बिलोंग करते थे। 1994 में इनका जन्म हुआ था ओके। और सोचिए शोपिया वाले जिले से पढ़ाई वढ़ाई करके, मतलब ये बंदे जो ये जो है हमारे जवान, मतलब 2016 के अंदर जो है पासिंग आउट परेड से में निकल के राजपूत रेजिमेंट जो कि हमारे देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट मानी जाती है राजपूत राइफल्स, उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। और 2017 के अंदर जब ये छुट्टियों पे आए थे तब उस टाइम पे दोस्तों आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी थी। पहली बार छुट्टी पे आए थे मतलब सोचिए। और ये हमारे पूरे कश्मीर के लिए पूरे देश के लिए एक बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन है। मतलब जब आपकी कंडीशन फेवरेबल होती है तब आप सिलेक्शन लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे एरिया से आते हो जहाँ पे पढ़ाई का स्कोप बहुत कम होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट होता है, आए दिन आप सुनते हो कि कभी उसको मार दिया गया है कभी उसको मार दिया गया है, हमेशा 24 घंटे आप डर के साए में रहते हो आतंकवादियों से, तब पढ़ाई करके इस तरीके से निकलना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसीलिए उमर फयाज हमारे देश के नौजवानों के लिए, कश्मीर के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एक आइडल है जो कि माने जाते हैं। तो उनकी याद में दोस्तों हमारे जो राजपूताना राइफल्स है उन्होंने एक अवार्ड की शुरुआत करी जिसका नाम है फयाज राजपूताना राइफल रेजिमेंट ट्रॉफी है जो की घोषणा करी है। ये सेना के कमांडेंट मोटिवेशन अवार्ड और सिल्वर मेडल विजय बहादुर जी को दोस्तों मिला है। किसको मिला है? विजय बहादुर जी को मिला है। ठीक है गाइस NDA जो अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र थे ठीक है 2016 के अंदर इन्होंने एज ए लेफ्टिनेंट है जो की ज्वाइन किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप 100 ऑक्टेन प्रीमियर पेट्रोल। इसके बारे में तो कल ही सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है एंटी शिप मॉडल मोड जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। तो ये देख सकते हो आप शिप से दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ने की टेस्टिंग है जो कि करी जा रही है, हालांकि पहले भी कर चुके हैं हम लोग इसको। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका एंटी शिप मोड है जो कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है गाइस ब्रह्मोस आपको मालूम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि जॉइंटली DRDO के द्वारा और रशिया की NPOM है उसके द्वारा डेवलप किया गया है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ओके। जो आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों जगह दोस्तों इसको डिप्लॉय है जो कि हम लोग करते हैं ब्रह्मोस को ओके गाइज। ब्रह्मपुत्रा और मोस्क्वा इन दोनों नदी के नाम पे इंडिया और रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा था ओके। और मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आप इसको कहीं से भी चला सकते हैं, वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर ये आती है। फायर एंड फॉरगेट निशाना बांधो और छोड़ दो इसके ऊपर ये काम करती है। महाराष्ट्र का दोस्तों फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है जो कि इनॉग्रेट किया गया पुणे के अंदर। ठीक है गाइस तो ये देख सकते हो दोस्तों पुणे की तरह वॉल वॉल सब कुछ जो है वो एक तरीके से चाइल्ड फ्रेंडली है जो कि यहाँ पे बनाया गया, पहला इनिशिएटिव है महाराष्ट्र पुणे पुलिस के द्वारा।
और बाल स्नेही इसको नाम दिया गया है, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इसको नाम दिया गया है। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में तो ध्यान रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के रिकमेंडेशन गाइडलाइंस के हिसाब से इस पुलिस स्टेशन को बनाया गया है। कोई भी बच्चों से रिलेटेड जो केसेस है वो विदाउट फेयर यहाँ पे बच्चा आके अपनी बात बता सकता है। ओके, इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है। ए आर रहमान रोब्ड इन एज ए बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडियन एम्बेसडर। तो आपको मालूम है हमारे देश के बहुत ही जबरदस्त म्यूजिशियन है ए आर रहमान, और उस सब बहुत ही ग्राउंड, बहुत ही एक बहुत ही डाउन टू अर्थ लाइफ है जो कि जीते हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मतलब अगर आप कभी ए आर रहमान का इंटरव्यू देखोगे, कभी ए आर रहमान के बारे में पढ़ोगे, तो बहुत ही जीनियस पर्सन है, मतलब है ना, इतने सॉफ्ट स्पोकन, और बहुत ही कभी भी ज्यादा लाइट्स के अंदर नहीं रहते, मीडिया में नहीं रहते। ओके, और अपने काम उससे बहुत ही जीनियस पर्सन है, मतलब काम। तो ऑस्कर ग्रैमी विनिंग इंडियन कंपोजर है ए आर रहमान। तो ये एम्बेसडर बने दोस्तों बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया 2020 के अंदर दोस्तों, आइडेंटिफाई किया गया, सपोर्ट किया गया 5 एक्सेप्शनल टैलेंट जो कि फिल्म गेम्स और टेलीविजन में इंडिया में से है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब ए आर रहमान तो नाम हो गया होगा। बाफ्टा की बात करें तो ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है, और 1917 में दोस्तों बेस्ट फिल्म जो है वो 1917 है, जो कि अभी दी गई थी। ठीक है, जोकर को मोस्ट नॉमिनेशन है, जो कि रिसेंटली मिले थे। बेस्ट एक्टर थे फिनिक्स जोकर के वाले। इंडिया रिफ्यूजेस टू सपोर्ट चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एट एससीओ मीट। तो आपको मालूम है अभी 2020 का जो एससीओ हुआ है उसका होस्ट किसने किया है? इंडिया ने, हमने उसको होस्टिंग है जो कि करी है, चेयरपर्सन चाइना था, ये देखिए जूम के ऊपर इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों हमने पूरी तरीके से मना कर दिया कि हम लोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करते हैं। काफी टाइम से दोस्तों चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडिया बीआरआई को सपोर्ट करे, लेकिन इसने क्या किया, बीआरआई जो है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हमारे पीओके वाले, हमारा जो कश्मीर वाला जो एरिया है ना, जिसको पाकिस्तान पीओके बोलता है, उस वाले एरिया से अगर ये नहीं लेके जाता अपनी रोड को, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी दुनिया में बना, लेकिन हमारे एरिया से निकाल रहा है मतलब, और फिर बोल रहे हैं सपोर्ट करो, मतलब हद आदमी है। तो बीआरआई जिसको लोग वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, जिनपिंग के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था पूरी दुनिया को ट्रेड से कनेक्टेड करने को लेकर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चेक रिपब्लिक से लेकर, यूरोप से लेकर, सेंट्रल एशिया, ये पूरा कवर करने को लेकर, रोड और समुद्र के वास्ते ट्रेड करने को लेकर बोलता है। तो ये वन रोड वन बेल्ट एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वापस से सिल्क रूट को रिवाइव करने को लेकर बोलता है। ओके, ये बोलता है 78 कंट्रीज में से जाएगा, 2013 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ओके, इसमें सिल्क रोड बनाई जा रही है, 21st सेंचुरी मैरिटाइम रोड बनाई जा रही है। ये देखिए, ये तो रोड है चाइना से सेंट्रल होते हुए पूरा यूरोप तक जा रहा है, और ये आपके समुद्र के रास्ते से। ठीक है, ये रोड, ये तो सिल्क रोड है, और ये मैरिटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक नया प्रोग्राम दोस्तों, ताकि पेशेंट को डिटेक्ट कर सके जो लेप्रेसी और टीबी से दोस्तों ग्रसित है, और उनका इलाज है जो कि करवा सके। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत COVID-19 पेशेंट, को जो भी COVID-19 पेशेंट है उनको बचाने के लिए, ताकि जिनके टीबी है, लेप्रेसी है, उनके तो और भी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए कैंपेन चलाया गया है मतलब। ओके गाइस, और बोला जा रहा है कि ये कैंपेन करोड़ों लोगों तक जो है वो पहुंच गया है, डोर टू डोर जो है टीबी के और लेप्रेसी के पेशेंट को पता किया जा रहा है, ताकि उनको मेडिकल अटेंशन देके COVID-19 से बचाया जा सके। ओके, लेप्रेसी आपको मालूम है इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं, पेपर में पूछते हैं कई बार कि ये हैंसन डिजीज कौन सा होता है, तो इसको लेप्रेसी कहते हैं, क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बोलते हैं इसको, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज है जो कि ह्यूमन के हिस्ट्री के अंदर पहचाना गया है दोस्तों। और ऐसा बोलते हैं 600 BC के टाइम पे भी ये लेप्रेसी है जो कि हुआ करता था, स्किन हो गई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गए, इस तरीके से पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ओके, और ये पूरी तरीके से क्या है, ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से दूसरे आदमी में पहुंच सकता है, किसी भी एज के आदमी को हो सकता है। ओके गाइस, और ये क्यूरेबल है, इसके अंदर ड्रग बनाए जाते हैं, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, उससे इसको सही भी किया जा सकता है। ओके, टीबी आपको मालूम है लंग्स का डिजीज है, लंग्स को इफेक्ट करता है, ये भी स्प्रेड होता है इंसान से इंसान के अंदर, और ये क्यूरेबल डिजीज है, 4-6 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद में सही हो जाता है। ओके, आज के दिन की बात करें इतिहास की दोस्तों, तो आज जो है 1829 3 दिसंबर को विलियम बेंटिक ने बैंड किया था सती प्रथा भारत में, ध्यान रखिएगा पेपर में सवाल पूछते हैं। 1796 में बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया मराठा एम्पायर का, लास्ट पेशवा थे ये मराठा एम्पायर के। 1971 में इमरजेंसी जो है कंट्री में लगा दी गई, जब भारत पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हुई। ठीक है, ये 71 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 62 71, हाँ ठीक है 71।
1984 के अंदर क्या हुआ था आपको मालूम है? यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के अंदर, भोपाल के अंदर दोस्तों, हमारे देश के 3,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत ज्यादा फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गई थी, क्योंकि एक टॉक्सिक गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसका रिलीज हुआ था। ठीक है, आज का फन फैक्ट की बात करें तो बात करेंगे म्यांमार के बारे में। दुनिया में आपको लगता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन एस्ट्रोलॉजी को मानती है, फॉलो करती है, और बहुत बड़ा बिजनेस भी एस्ट्रोलॉजी हमारे देश में भी है होने में तो, लेकिन एक ऐसे देश में जहां पे बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा बिजनेस है एस्ट्रोलॉजी, वो है दोस्तों हमारा पड़ोसी मुल्क म्यांमार। ठीक है गाइस, म्यांमार के अंदर जो ये बर्मीज जोडियाक साइन और जो ये एस्ट्रोलॉजी होती है, भविष्य जानना, ये बहुत फेमस और बहुत ज्यादा बिजनेस है। हर बच्चा बच्चा आपको भविष्य बताता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही ईथ थाई करके एक पर्सन थे जो कि ब्लाइंड थे, डेफ थे, और कंट्री के सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि बताते हैं फ्यूचर। वो कितना होता है, एक तरीके से प्रिडिक्शन होता है, 100% कंफर्मेशन दुनिया में कोई भी दे सकता, लेकिन ऐसे एक प्रिडिक्शन है जो कि किया जाता है मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके सारे के सारे प्लैनेट्स को देखते हुए। इसके अलावा अगर आप गाइस, आज मेरी स्पेशल क्लास है, ज्वाइन कर लेना, सुबह 10 बजे है एनसीईआरटी की और दिन में 1 बजे है आपका एनटीपीसी की, करंट अफेयर। ठीक है, और मेरा प्लस कोर्स जो है वो ज्योग्राफी का लॉन्च होने वाला है, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ मैं एसएससी के अंदर, ₹450 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, ओके, सब कुछ है जो कि आपको मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी मिल जाएगी, कंप्लीट आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में भी 2020 का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज, फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर से, तो ज्वाइन कर लेना। ओके, रेफरल कोड आपको मालूम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर भुवनेश टेन है जो कि आपको लगाना है। स्पेशल क्लास अगर आप किसी की भी देख रहे हो तब भी लगा सकते हो उसको। ठीक है, फाउंडेशन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, आप अपना गोल सिलेक्ट कर सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं, ₹500 पर मंथ पे जाइए, रेफरल कोड पे जाइए और BHUNESH भुवनेश टेन डाल के अप्लाई कर दीजिए, आपको हाथों हाथ 10% ऑफ मिल जाएगा। आज क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने ब्रांड नेम डैश के तहत भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। साथ में गाइज कल हम लोग जो है वो शानू की हेल्प करेंगे। आपको मालूम है शानू ने दोस्तों कम से कम 1000 टाइम्स है जो कि रीच करने की कोशिश कर रही है मतलब, ओके, और कल शानू के एक्चुअली के अंदर केस क्या है कि अभी काफी टाइम पहले एक और लड़की का केस था, खुशी का, और मैंने खुशी से काफी सारे डॉक्यूमेंट मंगवाए थे, लेकिन एक मुझे जो है इंटरनली फील नहीं आया था क्योंकि इतने ज्यादा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं थे, इसीलिए हमने उनकी क्राउड फंडिंग नहीं करी। ओके, शानू के मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, पूरा मेडिकल बिल है, पूरा उनका सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, शानू ने भेजे हैं, और उनका एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से दोस्तों पूरी एक साइड की बॉडी जो है वो जल गई थी, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है। मैं शायद ऐसे अगर वो फोटो दिखाऊंगा तो मेरे ख्याल से आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है। ओके, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 7-8 बार हाथ का ऑपरेशन हो चुका है। ओके, तो हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कल कोशिश करेंगे, कल हम अपन थोड़ा और डिटेल में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 10-10 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, 10-10, 20-20 रुपीज का ही, इससे ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, और किसी को ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। अगला है दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? महाराष्ट्र के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत में बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हॉर्नबिल निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? ये तो हम कर चुके हैं शायद। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर